राजस्थान का जो स्ट्रॉन्ग मैप है वो कालाहारी ही है, बट मीनवाइल यहां पे फाइव हंड्रेड को डाउन कर दिया गया है एंड यहां पर डोमिनेशन आती हुई दिखाई देने वाली है। स्वास्थ्य को डाउन कर दिया गया, मैट्रॉन को डाउन कर दिया गया, जैंड ओल्ड मंक अकेले बचे हैं यहां पे, 2v3 की सिचुएशन है यहां पे, मुक्केबाजी चलती हुई दिखाई देने वाली है। ओल्ड मंक को भी डाउन कर दिया गया, जय इट इज लुकिंग ब्लीक फॉर मुंबई मास्टर्स एंड देयर वन राउंड जीतते हुए दिखाई दिए हैं चार पिछले मैच में। और अगर हम बात करें तो यहां पे टीम्स आगे जा रही है फाइट लेने का ट्राई कर रहे हैं, बट मुझे बताया अगर यहाँ पे राजस्थान आगे बढ़ेगी फाइट लेने के लिए तो पूरी तरीके से सामने जो टीम होने वाले मुंबई को वो पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि दोनों की टीम बहुत ज्यादा अग्रेसिव गेम प्ले रखती है। ओल्ड मॉक एंड मैट्रॉन दोनों के डाउन हो जाएंगे और एक अच्छी चीज नजर आ रही है राजस्थान को, पता है वो किस प्लेयर को टारगेट कर रहे हैं, वो उन्हीं प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हैं जो इस टीम का स्काउट है एंड पहले दो स्काउट्स को डाउन कर देगा। अगर बात करेंगे तो राइट नाउ राधे ठाकुर को फिनिश होगा यहाँ पे, अगर हम लोग अग्रेसिव पे आ गए लीड लेंगे यार। यहाँ पे फैबिंड्रन ओल्ड मंक को डाउन कर दिया गया है, रिवाइव मिलेंगे या नहीं मैं देखना जरूर जाऊंगा, बट अभी फिलहाल जय और मैट्रॉन की जो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए वो अपने आपको बचाने के लिए होनी चाहिए रादर देन रिवाइव देने की सामने वाले जो नॉक प्लेयर्स हैं, इनके जो टीममेट्स हैं जो नॉक हो चुके हैं उनको रिवाइव करने की। मैट्रॉन अकेले बचे, 1v3 की सिचुएशन है, पोजीशन इनकी पता चल चुकी है सामने वाली टीम को एंड अब दिक्कत में आ सकती है मुंबई मास्टर्स, बिकॉज यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स काफी तगड़े फॉर्म में बैकअप आती हुई दिखाई देने वाली है, बैकअप मैं कहना चाहूंगा वापस ऊपर आती हुई दिखाई देने वाली है मुंबई मास्टर्स के एंड थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे स्टिल मैं कहूंगा दैट अभी भी मैट्रॉन फेस करते हुए, बट वी डोंट नो दिस प्लेयर, हम लोगों को नहीं पता दैट ये क्या क्या कर सकते हैं एंड यहाँ पर 1v4 भी अगर कर देंगे मैट्रॉन तो हमें बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हम लोग नहीं होने वाले, बिकॉज हमें पता है दैट ये कर सकते हैं। एंड देखिए यही सेम स्ट्रेटेजी यहाँ पे मैट्रॉन ने यूज करी, राजस्थान रॉयल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दिए एंड यहाँ पे खत्म किया। अब ये गेम लोग देख सकते हैं जय होल्ड करते हुए दिखाई देने वाले हैं, पुश आता हुआ दिखाई देने वाले राजस्थान रॉयल्स का, क्यूमुलेटिव पुश आता हुआ दिखाई देने वाले एंड यहाँ पे सारे के सारे प्लेयर्स एक एक प्लेयर को यहाँ पे डाउन करने वाले, पैबिंड्रो को यहाँ पे टारगेट करके डाउन कर दिया गया एंड आई वुड से दैट आपने वो लकड़ी वाली कहानी तो सुनी ही होगी दैट एक लड़की एक लकड़ी को तोड़ना इजी रहता है रादर देन चार पांच लकड़ियां अगर साथ में हो, एक झुंड हो लकड़ियों का उसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है एंड वही चीज यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स दिखाई देने वाले हैं। पैबिंड्रो को भी वही सेम स्ट्रेटजी के साथ डाउन किया गया, जय को भी डाउन किया गया एंड खत्म कर दिया गया एंड अब यहाँ पे 2v3 की सिचुएशन है जहाँ पर ओल्ड मंक भी डाउन होने वाले हैं, मैट्रॉन अकेले बचे हैं एंड आई डोंट थिंक ही कैन डू समथिंग। बिल्कुल अगर बहुत हो तब आपको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है एंड यही बिल्कुल सही कह रहे हैं आप यहाँ पे एंड डेफिनेटली वन एक चीज जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा दैट कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको अपनी परफॉर्मेंस के साथ भी एंड अपने टूर्नामेंट्स के साथ भी एंड अगर कंसिस्टेंसी दिखाओगे तो गेम भी आपको रिस्पेक्ट करेगी एंड आपको आगे लेकर जाएगी। गेम की रिस्पेक्ट करना मत भूलना कभी भी जो आपको यहाँ पे आगे लेकर जाने वाली है, बट मीनवाइल हम यहाँ पे वापस चलते हैं राजस्थान रॉयल्स के पास जिनको सिर्फ एक राउंड की जरूरत है यहाँ पे एंड गिरती हुई दिखाई देने वाली है एंड देयर इट इज राजस्थान रॉयल्स 2-3 से यहाँ पे हारते हुए, 2-0 कर सकती थी यहाँ पर, अच्छा 2-1 कर सकती थी यहाँ पर एंड डैमेज जरूर दे सकते हैं थे वहाँ पे, दिया भी स्वास्थ्य को बट सेकंड शॉट कनेक्ट नहीं कर पाए एंड यहाँ पे मेरे ख्याल से अपने सॉल्टर्स को आगे भेजना चाहिए था इनको यहाँ पे, जब इन्होंने कॉल दिया यहाँ भाई मैंने डैमेज दे दिया यहाँ पे एंड अब यहाँ पे कुछ आता हुआ दिखाई दिया, सेम सिचुएशन जिसकी हमने बात करी वो आती हुई दिखाई देने वाली है एंड यहाँ पे पूरी की पूरी टीम गिरते हुए दिखाई देने वाली है। और आपने डोमिनोज की गेम अगर खेली है या देखी है तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे एक एक प्लेयर राजस्थान रॉयल्स स्टार्टिंग में तो सारी की सारी टीम बिखर जाती है, सारी की सारी मार्शल्स के पास जो मोमेंटम है जो चाहिए मोमेंटम वो इनके पास जरूर है, बट फैबिंड्रो यहाँ पे सारी ग्लूज यूज करते हुए दिखाई दिए वेरी क्विक आई वुड से, यहाँ पर एक ही ग्लू वो यहाँ पे लगा देते तो काफी होनी चाहिए थी, बट मैट्रॉन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो डाउन होते हुए दिखाई देने वाले राजस्थान रॉयल्स लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्लोज क्वार्टर फाइट हर एक प्लेयर यहाँ पे ऊपर चढ़ा है, कोई भी प्लेयर नीचे नहीं वेट किया, कोई भी प्लेयर यहाँ पे वेट नहीं कर रहा था दैट यहाँ पे कोई जब ऊपर जा रहा है तो उनको दिक्कत देंगे, विजार्ड एंड राधे ठाकुर ने यहाँ पे ओल्ड मंक को घेर लिया, बट यहाँ पे ग्लू वॉल्स इतनी ज्यादा पूरा जंगम हमें दिखाई दे रहा है ग्लू वॉल्स का, यहाँ पे राइट साइड पे राधे होल्ड करते हुए दिखाई जरूर देने वाले, बट क्या यहाँ पे कुछ हो पाएगा या नहीं, मैट्रॉन को यहाँ पे नॉक कर दिया गया, ओल्ड मंक को भी नॉक कर दिया गया, फैबिंड्रो की एचपी बहुत कम, इनको भी नॉक कर दिया गया, जय अकेले बचे हैं यहाँ पे, 1v3 बहुत ज्यादा अनिवार्य है जय के लिए, बट क्या कर पाएंगे या नहीं, एचपी की मैं बात करूं तो थोड़ी सी दिखाई दे रही है, बट यहाँ पे विजार्ड ऑफ द मैच।